कितनी पतली पगडंडी है, बेसिकली पैदल चलने के लिए पगडंडी है, और यहाँ से अभी हम लोग को ना बाइक लेके जाना है। अब यहाँ पे एक गलती और हम लोग सीधा नीचे जाएंगे भाई खाई में। बाकी खाई देखो जरा कितनी ज़्यादा सुंदर है भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। ये इंडिया का बिगेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में और हमारी इस नई वीडियो में। भैया आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे और इस 4x4 के टेंट के अंदर आप देख सकते हो हम टेंट के अंदर बैठे हैं। बाकी अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी ना तो आप लोग को पता होगा हम लोग कहाँ हैं। अगर नहीं देखी है कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। ठीक है मयंक भाई, जरा चेन खोली जाएगी, दिखाते हैं लोग को हम कहाँ पर है। देखो जी बाहर का व्यू, देखो बाहर का व्यू देखो। ओहो क्या व्यू है, मतलब देखते साथ ही ना दिन बन गया। दिन क्या बन गया था, सुबह तो सुबह बन गई। बाकी फिलहाल अभी हम लोग हैं टीरी लेक में, हम लोग आए थे यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। बाकी अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी चलो अभी टेंट से बाहर निकलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आप लोग को ढंग से व्यू। तो भाई ये आ चुके हैं हम लोग टेंट के बाहर और अभी दिखाता हूँ आप लोग को लोकेशन जहाँ हम लोगों ने कैंपिंग करी थी। तो भाई देखो ये लगे हुए अपने टेंट्स और टेंट के जस्ट बगल में देखो हम लोगों ने अपनी बाइक लगा रखी है और जहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग करी थी ना, ये देखो भाई ये वो जगह है। पूरा का पूरा ना ऐसा लग रहा है सिर्फ बुग्याल टाइप का होगा। और भाई इस तरफ का व्यू देखो जरा, इससे बेस्ट कैंपिंग मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं करी भाई। इतना प्यारा व्यू वहाँ पे देखो, सामने डोबरा चांटी ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये फ्लोटिंग हट्स हैं और जो ये पूरा का पूरा है ना ये टीरी लेक है। बाकी इतनी सुबह सुबह क्यों उठे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना एग्जैक्ट उस पॉइंट से जो है सनराइज होने वाला है, क्योंकि कल मूनराइज ही वहीं से हुआ था, जो कि शायद से बहुत सुंदर ना दिखने वाला है। तो देखो अभी सनराइज होने के लिए ना काफी टाइम है, तो एक काम करते हैं आप लोग को लेक के पास लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग ना लेक के एकदम बगल में आके दिखाता हूँ अभी आप लोग को मैं व्यू यहाँ से। मतलब फोन ना इस व्यू को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत छोटा, लेकिन सामने से जब देखोगे ना से भाई ये इतनी ह्यूज लेक है ना। क्योंकि अगर किसी को इसकी हिस्ट्री पता है ना तो टीरी लेक के अंदर एक पूरा का पूरा शहर है जो कि इस पानी के अंदर डूबा हुआ है। देखो आप लोग को एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा होगा, देखो देखो उस पहाड़ के टिप है, वो पूरा पहाड़ नीचे पानी के अंदर डूब रहा है। और इस पेड़ को देखो भाई, ये पेड़ टिका हुआ तो है लेकिन इसमें बिल्कुल पत्ते नहीं है देखो। और इसी के जस्ट आपको एक पीछे दिखाई दे रहा होगा, देखो वो दूर वो तो पानी में डूब रखे हैं, तो जब पानी का लेवल बढ़ता होगा ना यहाँ पे तो ये भी डूब जाता होगा। तो अभी हम लोग ना वापस टेंट के पास आ गए थे। बाकी अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि हमारा पोपट हो चुका है। और पोपट क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ देखो भाई वहाँ से ना बहुत ज़रा ब्राइट हो रखा है और वहीं से मेरे ख्याल से ना सनराइज होने वाला है। पहले हमको लग रहा था कि वहाँ से होगा क्योंकि मून ना वहीं से कल रात को राइज हुआ था, तो मुझे लगा था कि शायद सन भी वहीं से होगा, लेकिन नहीं सन होगा वहां से शायद, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा ब्राइट हो रखा है वहां पे। तो ये तो गड़बड़ है, इतना ऊंचा पहाड़ है तो भयंकर, तब तक तो शाम हो जाएगी। तो जी भाई हो गया अपना सनराइज और जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था ना वहीं से हुआ है, यहाँ से हुआ है। तो आज एक बात तो चल गई पता कि मून और सनराइज जो है वो एक जैसा नहीं होता। सनराइज के बाद ना पूरी वैली में देखो लाइट फैल गई है और कितना ज़रा बढ़िया लग रहा है यार। बाकी चलो अब जगह तो बहुत दिखा दी, अब लग रही है भूख तो हम पे बंद मक्खन पड़ा है, तो चलो वो बनाते हैं। ये देखो भैया हमारा किचन, ये स्टोव है हमारा, तो इसको रखते हैं यहाँ पे और ये बन रहा है हमारा बंद मक्खन जो कि तुम्हारा भाई बना रहा है। देखो
तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमारा डन हो चुका है, बाकी उसके बाद ना हम लोगों ने काफी देर गप्पे मारी। और देखो जरा सूरज कितने ऊपर चले गया, और जितना ऊपर सूरज चले गया ना उतना ही ऊपर ऊपर टेम्परेचर चले गया। तो जल्दी से ना यहाँ पे अपना सामान वगैरह पैक वगैरह करते हैं, बाकी फिर मैं करता हूँ आप लोगों से बात। तो जी पैकिंग हमारी हो चुकी है डन। देखो हमने सामान पूरा बाइक्स में लोड कर दिया। और एक और चीज देखो, हम लोगों ने जहाँ पे कैंपिंग करी थी ना उस जगह को हम वैसा ही छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कहीं कूड़ा नहीं है, वो मेरी जैकेट है, तो बिल्कुल वैसा ही छोड़ के जा रहे हैं जैसे कि ये थी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जब भी कहीं ऐसी जगह जाते हो ना तो भाई कूड़ा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है। देखो साफ जगह होगी तो अच्छा लगेगा। बाकी ये था हमारा टीरी झील, जो कि भाई बहुत सुंदर था। हमारा कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और अभी का प्लान ये है कि हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि भाई गर्मी हो रही है बहुत भयंकर। और भाई अभी वापस जाते हुए तो क्रेजी सीन होने वाले हैं, क्योंकि एक पॉइंट है वहाँ पे आगे जाके ना, वहाँ पे इतनी पतली सड़क है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला, इससे पहला वाला ब्लॉग देखा होगा ना, उसमें भाई बहुत मुश्किल से हम लोग आए थे। अब जाते हुए भी बहुत बार लगने वाली है। बाकी ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई देखो इस रास्ते की मैं बात कर रहा था, कितनी पतली पगडंडी है, बेसिकली पैदल चलने के लिए पगडंडी है। और यहाँ से अभी हम लोग को ना बाइक लेके जाना है। अब यहाँ पे एक गलती और हम लोग सीधा नीचे जाएंगे भाई खाई में। बाकी खाई देखो जरा कितनी ज़रा सुंदर है, वो देखो पीछे फ्लोटिंग हट्स दिखाई दे रहे हैं। भाई फ्लोटिंग हट्स तो क्या लगते हैं यार, बाकी वहाँ पे कैसा दिखता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से वो चीज़ तो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस बात को करते हैं साइड में, ऑन कर दे। चलो भाई ये हम चले। अरे भाई साहब क्या लग रहा भाई, और पता है मतलब पूरी बजरी है, बजरी बाइक स्किट भी हो सकती है भयंकर भाई साहब। डर लग रहा ओए भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। और को भी रिकॉर्ड कर लो। ओ भाई पार हो गए। बाकी अपने साथ वाले कहाँ गए, आ गई भाई। चलो भाई सारी बाइक्स आ गई, ऑल सेफ एंड साउंड। बाकी देख लियो अब ना आपको लेके चलते हैं सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, उसका नाम है डोबरा चांट। और ये ब्रिज ना इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। और रात के टाइम पे तो भाई यहाँ लाइट शो भी होता है, जो कि मैंने कल दिखाया था आप लोग को। बाकी ठीक है अब चल के देखते हैं उसके ऊपर कैसी फील आती है। यहाँ से जाना है। तो जी ये रहा अपना इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ब्रिज से मतलब समझ रहे हो ना, जो तार वाले ब्रिज होते हैं जिनमें ये केबल्स यूज होती हैं, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। भाई सच में कितना बड़ा है यार ये, दूर से तो बहुत छोटा लग रहा था, अभी यहाँ आके दिखाई दे रहा भाई कितना बड़ा है ये। ओ भाई सेट कितना हो सक रहा है। तो अभी हम लोग ना इस ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, और वो देखो भाई वो रहा फ्लोटिंग हट्स, और उसी के सामने हमने ओ वहाँ पे करी थी कैंपिंग। यहाँ से भी ये व्यू कितना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, कितना ज़रा बढ़िया लग रहा है यार। ये देखो भाई यहाँ से व्यू देखो ज़रा कितना बढ़िया लग रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे हम लोगों ने बाइक्स लगा दी है, और बाइक के जस्ट बगल में देखो ये है अपना डोबरा चांटी ब्रिज। बाकी यहाँ से ना एकदम परफेक्ट व्यू दिखाई दे रहा है, मतलब ब्रिज दिखाई दे रहा है, नीचे लेक दिखाई दे रहा है, इवन वो फ्लोटिंग हट्स दिखाई दे रहा है। चलो भैया अब चलते हैं घर की तरफ। बाकी ये था अपना डोबरा चांटी ब्रिज। बाकी कैसे लगा आप लोग को मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मतलब यार ये जगह ना सूदिंग है भाई, बहुत प्यारी पीसफुल है, मतलब व्यू उतना तगड़ा है, पहाड़ है, परफेक्ट वीकेंड स्पॉट है भाई, परफेक्ट वीकेंड स्पॉट। तो अभी हम लोग ना कैंपिंग वाली लोकेशन के जस्ट ऊपर चल रहे हैं, और देखते ही देखते भाई मौसम देखो जरा कैसा पलट गया है। देख रहे हो भाई बादल ही बादल आ गए। ये देखो भाई अगर ठीक से पैकिंग ना करना तो ये होता है। मैं कह रहा हूँ पीछे से मेरी आवाज कैसे आ रही, खर 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 खर, ये देखा तो भयंकर ये लटक रहा है देखो। अरे यार तो काम बढ़ गया यार, अब इसको ना दोबारा खोल के फिर से करना पड़ेगा यार। अबे ये क्या हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई। वहां पे तो नीला आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे ऊपर काले बादल है, शायद बारिश हो रही है बारिश। अबे यार भीगे यार, हम पे रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं है यार। ले भाई धूप भी आ गई और बारिश भी आ रही है, तो लगता है आज किसी गधे गधे की शादी है। क्या कह रहा समझ में नहीं आया। तो हमारे वहाँ पे ना बचपन में हम लोग बोलते थे जब बारिश और धूप साथ में होती है ना, तो यानी इसका मतलब किसी गधे और गधे की शादी हो रही है, बारिश ना तेज होती जा रही है भाई। क्या करे हाँ। तो जी ये आ गए थे हम लोग चंबा। बाकी बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होती है कि मैं एकदम से हिमाचल कैसे पहुंच गया, तो देखो उत्तराखंड में भी चंबा है जो कि टीरी साइड पड़ता है। बाकी जब हम लोग डोबरा चांटी की तरफ आए थे ना, तो हम लोग आए थे ऋषिकेश की तरफ से, लेकिन अभी जाते हुए हम लोग जाएंगे धनौल्टी की तरफ से।
मुझे तो लगा था एक बार की पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया लेकिन वो तो ट्रैफिक रुक रहा था। बाकी देख रहे हो अभी हम लोग जा रहे हैं चंबा से धनौल्टी की तरफ और फिर वहां से निकल जाएंगे देहरादून। और मौसम का अपडेट ये है, देखो भाई धूप आ गई है। मौसम को भी ना हल्के हल्के नशे से हो रहे हैं लग रहा है। धूप में ही बारिश शुरुआत है भाई, धूप में ही। तो दगड़ियों मौसम फिर से पलटता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम लोग धनौल्टी पहुंचने वाले हैं। ऊपर देखो जरा काले काले बादल भाई। और अगर यहाँ बारिश होगी ना भाई तो बहुत ठंडा हो जाएगा। और लिटरली अभी भी तो ठंडा हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोग को। और बारिश आने लग गई। अरे यार बारिश आ गई गाइस भाई, बोलते साथ ना बारिश आ गई, बोलते साथ। सुरकुंडा माता बचा ले आज प्लीज हे भगवान। अभी हम सुरकुंडा माता टेम्पल पहुंचे और यहाँ भी ना भाई बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं, ओले भयंकर भाई। गलत सीन होने वाला है, गलत सीन। तो अभी हम लोगों ने ना जस्ट सुरकुंडा टेम्पल जो है वो क्रॉस करा है और यहाँ पे ना बारिश जो है वो रुक गई है। हमें तो लगा हम भीग गए आज, लेकिन ठीक है भाई। ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ चल रही है। भाई अभी यहाँ पे रुके, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। रवि तो भाई मैसेज आ रखा है फोन में, मैं आप लोग को मैसेज दिखाता हूँ। येलो वार्निंग, थंडरस्टॉर्म विद हेल इज लाइकली टू अकर ओवर बागेश्वर अल्मोड़ा देहरादून पौड़ी। भाई जरा होटल का रास्ता देखो भाई, यहाँ जाना पड़ता है देखो इस होटल के लिए। I'm a joking, I'm a joking। अरे स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन ये कहाँ से आ गया यहाँ पे? बेटे गिर जाना अगर तू नीचे यहाँ से, मैं बता रहा हूँ कूले टूट जाएंगे तेरे। बैठ के कैसे आया, खड़े होकर जाना पड़ेगा फिर तुझे। सस्ता स्पाइडरमैन है, मकड़ा मैन। बोलिए तू बाथरूम में होती है पतली पतली टांगे वाली मकड़ी, वो लग रही है तू। ये देखो बाकी ये आ चुकी है अपनी चाय और हम लोगों ने करे हैं ऑर्डर पराठे। चलो भाई खाना पीना हमारा हो चुका है डन। बाकी एक अच्छी अपडेट, बारिश तो नहीं आ रही है, देखो वहाँ पे आसमान खुल भी रहा है लेकिन हवा चल रही है भाई बहुत जोर की ना। कोई नहीं, चलो हवा तो सह लेंगे, बस बारिश नहीं आनी चाहिए यार। ओ भाई भाई यकीन नहीं मानोगे ना, इतना ठंडा हो रहा है ना, इतना ठंडा, हालत खराब हो रही है भाई, हालत खराब ठंडे से। ओए होए होए भाई, ये धूप और काले बादलों का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा बढ़िया लगता है ना, देख रहे होंगे कितना बढ़िया लग रहा है। और जी पहुंच गए, जी पहुंच गए देहरादून, पहुंच गए। सामने आप लोग को देहरादून हमारा दिखाई दे रहा होगा और ये येलो अलर्ट था ना मेरे ख्याल से। तो आसमान में भाई एक बादल नहीं है, एक बादल बस वहाँ पे है ऊपर हल्के हल्के, अदरवाइज देहरादून के ऊपर तो एक बादल नहीं है भाई। तो ये तो वही बात होगी ना, स्कूल टाइम पे हमारे स्कूल में नोटिस आता था कि भाई कल छुट्टी है क्योंकि कल है रेड अलर्ट बारिश का। और उस छुट्टी के दिन ना भाई मस्त कड़ाकेदार धूप आती थी तो हम उसमें बहुत खेलते थे। आई स्टिल रिमेम्बर। बाकी देहरादून के स्कूल वाले मेरे ख्याल से शायद से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये हमारी वीडियो और ये ट्रिप समाप्ति की ओर जो है वो आ चुकी है क्योंकि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कसम से भाई मेरे लिए तो भाई बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा मजा आया। बाकी चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को मिलते हैं अब एक नई वीडियो में किसी नए एडवेंचर के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।